सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल TIY न्यूज। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अरमान ने सभी घर वालों के सामने अबीरा को दे दिए डिवोर्स पेपर और बोला कि तुम्हें अभी के अभी इस पेपर पर साइन करने होंगे। अबीरा कहती है कि मैं 3 महीने के लिए सही, लेकिन तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अरमान कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें अभी के अभी इस पेपर पर साइन करके मुझसे डिवोर्स लेना होगा। लेकिन यहाँ पर इत्तेफाक से अबीरा की मदद करने के लिए मनीष जी आ जाते हैं। दरअसल वो यहाँ पर रूही के लिए आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी दूसरी बेटी मतलब कि अबीरा के साथ काफी हो रही है, तो वो चुप नहीं बैठे। मनीष जी यहाँ पर अरमान से कहते हैं कि अरमान, शायद तुम भूल रहे हो कि पति पत्नी का रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं होता। ये कोई खेल नहीं है कि जब तुम्हारा मन चाहे जोड़ लिया और जब तुम्हारा मन चाहे उसे तोड़ दो। यहाँ पर मनीष जी दादी से भी कहते हैं कि आपने साबित कर दिया कि आप अपनी जबान की पक्की नहीं है। मुझे पता है कि आपने अबीरा की सारी शर्तें मानी है, लेकिन आप अपनी जबान से जो है इतनी जल्दी मुकर गई है। पोदार फैमिली में माधव को छोड़कर सभी जो है यहाँ पर अबीरा के खिलाफ है, सिर्फ माधव ही है जो अबीरा के साथ खड़ा है। लेकिन मनीष जी यहाँ पर अरमान से कहते हैं कि मैं भी देखता हूँ कि तू अबीरा को डिवोर्स कैसे देता है। मैं 3 महीने तो क्या तुम्हें 3 साल तक भी अलग नहीं होने दूंगा। दादी यहाँ पर मनीष जी से कहती है कि मनीष जी, ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप इसमें ना ही बोले तो ही ठीक है। मनीष जी यहाँ पर कहते हैं कि अबीरा मैं अपनी बेटी मानता हूँ और यहाँ पर बात मेरी बेटी की जिंदगी की है, इसलिए मैं खामोश नहीं बैठूंगा और मैंने कह दिया तो कह दिया कि मेरी बेटी का डिवोर्स नहीं होगा तो नहीं होगा। यहाँ पर मनीष जी अरमान से कहते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही तुम धूम धड़ाके से जो है अबीरा को घर ले आए थे, लेकिन 2 ही दिन में तुमने तुम्हारी असलियत दिखा दी। आखिर तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? आप सभी घर वालों ने मिलकर अबीरा को धोखा दिया है, आपने इस लड़की की कितनी बेइज्जती करी। और कावेरी जी, आपने अबीरा के साथ साथ इसकी माँ की भी बेइज्जती की, फिर भी ये लड़की सब कुछ भुलाकर आपके घर आ गई और आप लोगों ने कभी ये सोचा ही नहीं कि इसने हमेशा से तुम्हारी फैमिली का भला ही चाहा है। मनीष जी यहाँ पर अरमान की जमकर क्लास लगाते हैं और फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर अभी जो तुमने हरकत की है उसकी वजह से जो है तुम अबीरा से माफी मांगो। फिर वो अरमान से कहते हैं कि अगर तुमने अबीरा से माफी नहीं मांगी तो मैं यहाँ पर तुम्हारा और रूही का सच सबको बता दूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि मैं अबीरा के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आता तुम किस मिट्टी के बने हो। लेकिन अब तुम खुद मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं सबके सामने अपना मुंह खोल दूं। फिलहाल यहाँ पर अरमान जो है अबीरा से माफी मांग लेता है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनका डिवोर्स फिर से हो पाएगा या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताना, या फिर ये दोनों फिर से एक हो जाएंगे जरूर कमेंट करें, और जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।